अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर आज मोहम्मद जिलानी साहब जो गरीबी को बहुत ही करीब से देखकर जो है ना आज उन्होंने ऐसा इकदाम उठाया है जो उसको उसकी गरीबी का एहसास उनको होते हुए उन्होंने इस बात का अंदाज़ा लगा दिया है कि ईद की खुशी का दिन सबके लिए बराबर होना चाहिए। यहाँ पर जो इतना मुफलिस और ये मुफलिस और गांधीनगर जो है एरिया है, गरीबों का एरिया है, इस एरिया में इन्होंने इस चीज़ को पैकेजों को बनाकर जो है ना जो इंतज़ाम किया है, इसकी वजह ये की है कि उन्होंने इस मोहल्ले के हर इंसान की फिक्र रखते हुए उन्होंने अपना एक काम अंजाम दे रहे हैं। इस पैकेज को अपने खुद के अपने पैसे से, यानी कि खुद की अपनी ज़ाती मेहनत और मशक्क़त की लगन से जो है ना उन्होंने किया है, और गरीब मिस्कीन लोगों को इस तरीके का इंतज़ाम कराना बहुत ही काबिलेदाद बात है। और मैं मोहम्मद जिलानी साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा कारनामा अंजाम दिया है। इसको हम ये समझते हैं कि आज की तारीख में इस गांधीनगर के लोगों में ईद की गम या कोई कमज़ोर या बेबस या गरीब है बोल के महसूस नहीं हुए, जैसा ऐसा काम उन्होंने किया है। मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, और इस गांधीनगर के पूरे लोगों को इस बात की भी मुबारकबाद देता हूं कि आपके इस मोहल्ले में आपको चाहने वाला, आपका अपना हमदर्द, आपका अपना एक ऐसा कायद मिला है आप लोगों को जो आपका एहसास और दर्द रखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा नीचे पकड़िए। आज अल्हम्दुलिल्लाह गांधीनगर कॉलोनी में ईद पैकेज हमारे मोहतरम आली जनाब मोहम्मद जिलानी भाई ने खुसूसी तौर पर अपने ही पैसों से इस पैकेज को बनाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपना बचपना और जवानी अल्हम्दुलिल्लाह यही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और यहाँ के सारे हालात से अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी वाकिफ़ हैं कि कितने लोग यहाँ गरीब हैं और कितने लोग यतीम हैं और कितने लोग बेबस हैं। सारे हालात से वाकिफ़ होते हुए उन्हीं गरीब लोगों के लिए उन्होंने ईद पैकेज बनाया है, और देने का इन्होंने इरादा किया है। आपके इस इकदाम पर हम सलाम करते हैं और अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए, और ये ईद पैकेज ऐसा बनाए हैं जिसके अंदर आपके ईद के दिन का सारे साजो सामान आपके लिए है, ये सुरखुम्बे का भी सामान है और खाना बनाने के लिए चावल का भी इंतजाम है, और इसके अंदर साड़ी वगैरह का भी, कपड़ों का भी माशाल्लाह उन्होंने इंतजाम किया है। हम इनकी खिदमत को सराहते हुए और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी कमाई में अल्लाह बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनको कुव्वत अता फरमाए, हौसला अता फरमाए, और अल्लाह ताला इनसे खूब खिदमत ले, जो गरीब है, यतीम, बेवाए, मिस्कीना, जितने अहबाब हैं जिनसे जिस हालत में आप खिदमत करना चाह रहे हैं माशाल्लाह खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, कमाई में बरकत अता फरमाए। आप तमाम आए हुए मैं अहबाब से भी, ख्वातीन से भी गुजारिश करता हूँ, आप इस पैकेज को लेकर इनके हक में दुआ करें, जिन लोगों को मिल जाए वो भी दुआ करें, जिन लोगों को इस पैकेज में हिस्सा ना मिले इंशाल्लाह और पैकेज